हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हो आप सब? ठीक ठाक? मुझे सब मज़े में होंगे। आज हम बात करेंगे भाई कुछ टॉपिक्स पे जो कि बहुत पूछा जा रहा है, लोग मतलब स्ट्रीम में भी और यहाँ कमेंट्स में भी पूछते हैं। वो टॉपिक है गाइस, एक तो है भाई कि आप व्लॉग शॉर्ट बनाते हो, सही है? उसका एक रीज़न ये है भाई लोग कि मैं शॉर्ट इसलिए बनाता हूँ, आप लोगों को पता है मैं सिर्फ जस्ट यूट्यूब नहीं यूज़ करता, मैं फेसबुक भी यूज़ करता हूँ, वहाँ पर स्ट्रीम भी करता हूँ। सो मुझे ना इतना टाइम नहीं मिलता अभी कि मैं मतलब प्रॉपर एक अच्छी तरह व्लॉग बना सकूं। हाँ, अगर आप लोगों ने सही वाला प्यार दिखाया, आप माशाल्लाह दिखा तो रहे सब, बट वो वाला प्यार नहीं दिखा रहा ना जिस तरह दिखाना चाहिए। इंशाल्लाह हमारे जिस तरह 100K हो जाएंगे, इंशाल्लाह आई होप के हो जाएंगे, आप लोग जिस तरह प्यार दिखा रहे हो तो इंशाल्लाह जल्दी हो जाएंगे। तो फिर हमने भाई आउटिंग करना है, सही है? 100K सब्सक्राइबर्स के बाद हमने भाई आउटिंग करना है, फिर इस तरह व्लॉग्स नहीं होंगे जिस तरह अब है, फिर एक अलग किस्म के होंगे भाई, फिर भाई मज़ा आने वाला है, आप लोग साथ में घूमेंगे इस साल है आप लोगों को। अभी तो मैं ये 13 Pro Max से जो है ना शूट कर रहा हूँ, सही है? यहाँ को व्लॉग्स बना रहा हूँ, मतलब जहाँ जाते हैं तो फ़ोन से ही करता हूँ मैं सब कुछ, सही है? जो प्रॉपर व्लॉग्स होते हैं तो भाई उसमें कैमरा यूज़ होता है, सही है? हाँ, तो इंशाल्लाह सुन वही करेंगे हम। 100K का भाई बहुत ड्रीम है, बस जल्दी हो जाए इंशाल्लाह ना, तो फिर मज़े आएंगे इंशाल्लाह साथ में, फिर घूमेंगे फिरेंगे मज़े उड़ाएंगे, फिर व्लॉग का मज़ा भी आएगा। अभी मैं शॉर्ट इसलिए बना रहा हूँ ना, अब रीजन बता दिया आप लोगों को स्टार्ट। हाँ, तो इसमें एक और टॉपिक भी है, आउटिंग टूर्स, मतलब मैं अभी भी कर सकता हूँ, बट उसके लिए क्या होता है, आप लोग ज़्यादातर यूट्यूबर्स देखते हो ना, मतलब जो कि कोई कहाँ पर जाते हैं, कोई कहाँ मतलब आउट जाते हैं, सही? तो वो स्पॉन्सर्स होते हैं, सही है? स्पॉन्सर्स मतलब उसके टूर होते हैं सारे स्पॉन्सर्स, सही है? कहाँ भी जाते हैं ना तो वो स्पॉन्सर होते हैं। अगर स्पॉन्सर टूर मेरे पास आए तो भाई फिर आप लोगों के लिए फिर बनाएंगे यार, इसमें क्या है? पर अभी तक आए नहीं क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर्स कम हैं, जिस तरह इंशाल्लाह ग्रो होते हैं तो इंशाल्लाह इतने स्पॉन्सर आएंगे कि भाई फिर हम घूमेंगे फिरेंगे भाई मज़े उड़ाएंगे। टॉपिक नंबर 1 क्लियर, शॉर्ट क्यों बना रहा? मतलब मैं एक प्लेटफॉर्म यूज़ नहीं करता, सही? टिकटॉक है मेरे पास, इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, साथ में यूट्यूब है, तो मतलब मैनेज करना भाई थोड़ा मुश्किल होता है क्योंकि भाई एक अकेला तंजील, एक अकेला जान। तो हाँ, थोड़ा सा मुश्किल होता है। हाँ, ये था टॉपिक नंबर 1, सही है? टॉपिक नंबर 2, आजकल भाई लोग खफा होते हैं थोड़े से कि तंजील भाई आप रिप्लाई नहीं देते इंस्टाग्राम पे। सो यार, मैं आप लोगों को इंस्टाग्राम दिखाऊँ ना, इतने मैसेजेस आते हैं, मतलब मैं सबको देता हूँ, ये नहीं कि मैं नहीं देता रिप्लाई, सही है? रिप्लाई मैं सबको दूंगा, बट मेरे साथ मैसेंजर है उसमें मैसेज आते हैं, व्हाट्सएप है उसमें भी आते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं भाई, मैं सुबह उठ के यही मतलब रूटीन होता है कि सुबह, अभी तो रूटीन थोड़ा सा चेंज है, रमज़ान में सहरी करके फिर उसके बाद जो है ना सोना होता है ना, नमाज के बाद सोना होता है, फिर दोपहर के लिए मतलब दोपहर में उठ जाता हूँ ना, फिर जब मैं दोपहर में उठ जाता हूँ तो फिर भाई नमाज करता हूँ, नमाज के बाद जो है ना मैं व्लॉग स्टार्ट करता हूँ, सही है? और मैंने अराउंड 8-7 ईन करना होता है, सही है? रात के 8-7 बजे ईन करना होता है और फिर एडिट भी करना होता है, फिर उसके बाद जब अफ्तारी करते ना उसके बाद मैं मतलब पब्लिक करता हूँ, सही है? व्लॉग अपलोड करता हूँ, मैं एडिट करके ना फिर अपलोड करता हूँ 7-8 बजे, सही है? तो एक ये सीन हो गया, मतलब इतना शॉर्ट टाइम होता है, फिर उसके बाद याद आ मच यार मुझको क्या करें। तो हाँ, मैंने कहा था हर शीशा करें खबर दें प्रीति, ये आता होगा खबर या बजो को खबर कब लग गई। इग्नोर क्या बात कर रहा था मैं। हाँ, तो यही अपलोड करता हूँ, अपलोड के बाद जो है ना फिर थोड़ा समय सो जाता हूँ ना, थोड़ा सा रूटीन अभी बिगड़ा हुआ है ना, तो हाँ फिर उसके बाद स्ट्रीम करता हूँ, स्ट्रीम मतलब मैं सहरी तक करता हूँ, तो मतलब टाइम इतना नहीं मिलता। तो इंशाल्लाह सून सब कुछ मतलब सही हो जाएंगे इंशाल्लाह, रिप्लेस वगैरह सब कुछ। तो ये था भाई दूसरा टॉपिक जो मैंने क्लियर किया आप लोगों को, और एक तीसरा टॉपिक जो आजकल बहुत चल रहा है भाई, बूट कैंप के बारे में। बूट कैंप के बारे में भाई ये सीन है कि हाँ, हमने बूट कैंप शिफ्ट करना है इंशाल्लाह सून, ईद के बाद या ईद से पहले, ये अब कन्फर्म नहीं है। हमने जो बूट कैंप मतलब देखा था उसमें थोड़ा सा इशू है भाई, तो वो हम नहीं जा सकते, अभी हमने मतलब एक और बूट कैंप ढूंढ ली है, तो आई होप कि हम वहाँ शिफ्ट हो जाएंगे, लेकिन अभी नहीं, आई थिंक सो आफ्टर ईद। तो भाई ये सीन है
और ज्यादा लोग पूछ रहे कौन जाएगा ये जाएगा भाई वो, बस छोड़ो ना वो बात, छोड़ो कौन जाएगा ये जाएगा वो जाएगा, जो भी जा रहा है भाई जा रहे हैं। और बाकी आप लोग कल प्यार है इंशाल्लाह हमेशा इसी तरह रहेगा। और भाई कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ लिख लो अपनी दिल की राय, जो कि भाई आप वीडियोस में ये करो, ब्लॉग्स में ये करो, क्या करो क्या ना, मतलब कुछ अपना पॉइंट ऑफ व्यू दो मुझे सही है कमेंट्स बॉक्स में। और हाँ, जिस जिस भाई ने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ही कीजिएगा अपने साथ, क्योंकि इससे क्या होगा हमारा इंशाल्लाह 100K फैमिली जल्दी जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। और फिर उसके बाद भाई व्लॉग्स का मजा हाय 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 एक सो करा हम तो पर श्री वीडियो तो हमने पूरी दिन मचा पूरी दिन पलक पूरी मर्जी। तो हाँ सब्सक्राइब करो एंड लाइक करो भाई। और भाई बस यही सीन है, अभी हमने ये वीडियो एडिट करनी है, फिर उसके बाद पोस्ट करनी है, आप लोगों के साथ शेयर करनी है सही है। और फिर वही इफ्तारी के बाद नमाज, नमाज के बाद थोड़ा सा सोना और फिर स्ट्रीम करना, फिर वही रूटीन। तो सब्सक्राइब लाइक, फिर इंशाल्लाह मिलते हैं कल। भाई को रमाद रखो, इजाज़त लो, अल्लाह पामान अल्लाह।